सो लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड व्हेन अ पार्टिकल मूव्स. तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड हमारा एवरेज स्पीड के बराबर आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस कब होगा. तो अब अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. ये क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी. उसके बाद अगर बात करें एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो यहां पर तो क्या आता है, एवरेज स्पीड की जब हम बात करते हैं तो यहां पर तो टोटल पाथ कवर्ड. तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे पाथ पे जा रहा है, इस तरीके से गया, तो ये जो टोटल सब डिस्टेंस होगा, ये सब क्या होगा, काउंट होगा. ये सब डिस्टेंस काउंट होगा जब अगर हम इस पाथ पे जा रहे हैं. लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये लाइन कनेक्ट करेंगे. अब अगर हमें एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड गिवन है, क्या गिवन है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड, तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी कब डिस्टेंस के बराबर होगी, तब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड. तो अब अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल होंगे, जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल. तो जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर हो जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी. अब अगर बच्चों हम बात करें, तो यहां से अगर ऑब्जेक्ट चलना चालू हुआ, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सेकंड. अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होंगे, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम पाथ पे जाएगा, जब वो सेम लाइन पर ट्रेवल करेगा, तब हम क्या बोलेंगे, जैसे यहां से इसका मोशन स्टार्ट हुआ, तो अगर वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर क्या हो रहा है, वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तब उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो अब ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब बराबर होते हैं, जब ऑब्जेक्ट जिस पाथ पे जा रहा है, मतलब वो अगर एक सेम लाइन पर ही जाए, ये एक ही डायरेक्शन में जब जा रहा होगा, तब हम क्या बोलेंगे कि एवरेज स्पीड की वैल्यू कैसे इक्वल होगी, एवरेज वेलोसिटी के. तो ये कब पॉसिबल है, जब ऑब्जेक्ट एक ही पाथ पे जा रहा है, एक ही पाथ का मतलब क्या हो गया, इन द सेम डायरेक्शन. तो जब ऑब्जेक्ट एक इन द सेम डायरेक्शन जा रहा है, तब हम क्या बोलेंगे कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड. तब हम बोल सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है, इट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अलोंग द सेम डायरेक्शन. सो द आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन. कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो ऑब्जेक्ट इधर गया, इधर कुछ स्पीड से गया, उसके बाद स्पीड तो वही है, लेकिन मान लो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, हालांकि एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तब उसका क्या होगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चेंज हो जाएंगे. तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अगर इक्वल होंगे, तो ये कब पॉसिबल है, जब वो एक ही पाथ पे जा रहे हैं.